मुंबई टू गोवा। लोग हमेशा इन दोनों जगहों के बारे में बात करते हैं, एक अपने ग्लैमरस और व्यस्त जीवन के लिए तो एक अपनी छुट्टियां बिताने के लिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुंबई और गोवा की तेजस एक्सप्रेस, जो कि इन दोनों जगहों को कनेक्ट करती है। एक बहुत ही लाजवाब ट्रेन है जिसके इंटीरियर्स बहुत ही खास तरीके से बनाए गए हैं ताकि आप बाहर के नजारे का पूरा लुत्फ उठा सकें। इस सफर में ट्रेन 92 टनल्स और छोटे बड़े मिलाकर हजारों ब्रिज से होकर गुजरती है, जो पल पल में आपको एक नया नजारा दिखाती रहेगी। अगर आप मुंबई में रहते हैं तो ये मुंबई से गोवा का सफर आपके लिए बहुत ही शानदार रहेगा। माथेरान हिल रेलवे। माथेरान हिल रेलवे महाराष्ट्र का एकमात्र हेरिटेज रेलवे है। माथेरान अभी भी मुंबई और बाहर से आने वाले लोगों के बीच एक पसंदीदा जगह है। इस ट्रेन का सफर शांति और शांत वातावरण का आभास कराती है। ये नेरोगेज रेलवे लाइन सन 1901 में अकबर पीर भोए द्वारा बनवाया गया था। ये ट्रेन ऊंची पहाड़ियों और जंगलों के बड़े हिस्से से होकर गुजरती है, जो देखने में बहुत ही अद्भुत लगता है। धीमी गति से चलने वाली ये ट्रेन कुल 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है और ये 20 किलोमीटर आपको 100 किलोमीटर के बराबर लगेंगे। और इसी बीच आप पहाड़ों पे चलते चलते ऐसे ऐसे नजारे देखेंगे जिसे शायद ही आपने कभी देखा होगा। हिमालयन क्वीन। कालका से शिमला जाने वाली इस ट्रेन का सफर सबसे मजेदार है। ये एक टॉय ट्रेन है जिसकी पटरियां सामान्य पटरियों से कम चौड़ी होती हैं। ये ट्रेन धीमी गति से चलती है क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक रास्तों से गुजरती है, जो कि बहुत ही रोमांचक होता है। इस ट्रेन की पटरियां पहाड़ों के ऊपर बनाई गई है। ये टॉय ट्रेन आपके भीतर के बच्चे को जरूर जगा देगी। 96 किलोमीटर लंबा ये मार्ग सन 1903 में शुरू किया गया था और ये ट्रेन 102 सुरंगों और 82 पुलों से होकर गुजरती है। ये रेल रूट सबसे ऊंचाई पर बने होने के कारण गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा इसे विश्व रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है। 5 घंटे के इस सफर में आपको बहुत से ऐसे नजारे देखने को मिलेंगे जिसे शायद ही आपने किसी ट्रेन सफर में देखा होगा। हिमालयन क्वीन सच में एक रानी है। इनक्रेडिबल दुआर रेलवे। सिलीगुड़ी से अलीदुआरपुर जाने वाली ये रेल मार्ग निसंदेह भारत की सबसे सुंदर रेल मार्ग है। ये रेल मार्ग सबसे सुंदर इसलिए है क्योंकि ये एक नहीं बल्कि कई सुंदर जंगलों और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से होकर गुजरती है, जैसे कि महानंदा सेंचुरी, चप्रमारी जंगल, जल्दापारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बुक्सा टाइगर रिजर्व। ये सब जगह आपको इस सफर में देखने को मिलेंगे। ये रेल मार्ग हाल ही में ब्रॉड गेज में बदला गया है क्योंकि यहाँ घूमने वालों की संख्या ज्यादा है। जंगल से लेकर पहाड़ों तक, नदी से लेकर चाय के बागानों तक और हरियाली से लेकर प्राकृतिक सुंदरता तक, ये सफर आपको प्रकृति की ऐसी अद्भुत सुंदरता दिखाएगा कि आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे। एक और ऐसी मनमोहक और शानदार टॉय ट्रेन की सफर है जो न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग तक चलती है। इस ट्रेन की सबसे खास बात है इसका इंजन, जो एक खिलौने की तरह दिखती है और ये पुराने जमाने की याद भी दिलाती है, जो कि कोयले पे चलती है। गली मोहल्ले और रिहायशी इलाकों से लेकर चाय के बागानों तक ये शानदार ट्रेन आपको ऐसा नजारा दिखाएगी कि आपका दिल जरूर खुश हो जाएगा। इस ट्रेन की भी पटरियां चौड़ी नहीं होती हैं और ये धीमी गति से चलती हैं। इस ट्रेन की खास बात ये है कि ये मीटर गेज पे चलती है और सन 1999 से ये यूनेस्को की विश्व धरोहर भी है।
दोस्तों आप इनमें से कौन सी सफर का आनंद लेना चाहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर